तो आप देख सकते हो ये फ्रेंजी ब्रांड का हमारा पूरा फैक्ट्री कितना अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे 6 दिन हो गया मैं आके रहा हूँ, रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, यही सब इतना ख्याल रखते हैं। आप मशीन लो अगर न लो, लेकिन हमारे मेहमान नवाजी देख के जाओ, ऐसा इनका काम है। वेलकम टू बंगला कॉर्पोरेशन कंपनी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कस्टमर आएंगे, उसका भी आपको इंटरव्यू कराएंगे। और बंगला कॉर्पोरेशन कंपनी का फ्रेंजी ब्रांड से यहाँ पे फैक्ट्री चल रहा है। और ये हमारे जो कस्टमर आए हुए कोल्हापुर से, पद्मराज जी नाम है, और उनके वाइफ जी है वो भी डॉक्टर है, वैसे होदे में बहुत बड़े डॉक्टर कोल्हापुर के, तो वो भी ये बोटलिंग प्लांट लगा रहे और खुद का हमारा जैसे फ्रेंजी ब्रांड से काम चलता है वैसे अब आपको कोल्हापुर के अंदर ये ब्रांड देखने मिलेगा, जो वो बताएंगे कि कौन से ब्रांड से काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? पद्मराज आयना जी। और एक साल पहले भी आए थे और थोड़ा उसका वाइंड अप हो गया था बिजनेस, और फिर वापस उसने सोचा कि नहीं काम आप इतना 55 साल से कर रहे हो, तो उसने सोचा कि अब तो वापस मेरे को यही काम करना है। दूसरा सब काम उसने सोचा था वो सब बंद कर दिया, लेकिन उसको लगा कि यही काम में आप इतने साल से आगे बढ़े हुए, तो मेरे को यही काम करना है। तो ये हमारे कस्टमर है, बात करेंगे। हाँ, मैं कोल्हापुर से पद्मराज, यही इनका 22 BPM का मशीन मुझे पसंद आया, इसलिए अभी हम भी इनकी तरह काम में थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए इनसे 22 BPM का मशीन और सब रेसिपी वगैरह इनसे जान के हम वहाँ पे चालू कर रहे हैं अभी कोल्हापुर में। कोल्हापुर सोडा करके है हमारा, कोल्हापुर सोडा करके ब्रांड आएगा। तो हमारा फैक्ट्री भी दिखाइए आप, आइए। तो आप देख सकते हो ये फ्रेंजी ब्रांड का हमारा पूरा फैक्ट्री कितना अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन हो रहा है। पर डे का 1000 बंच का हमारा खुद का एवरेज आ चुका है अभी, यानी 1000 बंच हम पर डे निकालते हैं। जैसे एक ही बंच 110 रुपये का हमको पड़ता है, और कस्टमर को भी हमने बताया है 110 से 115 रुपये का माल मार्केट के अंदर होलसेल रेट पे हम 150 में हम देते हैं, हम रिटेल में माल नहीं बेचते। हम हमारे पास से जो माल ले जाते हैं वो लोग 180 190 में बेचते हैं। तो हमारे बारे में, हमारा काम कैसा लगा, हमारी कंपनी के बारे में हम जो बोलते हैं वो सही है, लेकिन फेस टू फेस जो कस्टमर बोलते हैं, यहाँ पे 6 दिन रहते हैं, एक दिन नहीं 6 दिन रहते हैं। बहुत सारे कस्टमर क्या है, भावनगर आते नहीं, कहीं ना कहीं बेचारे मशीन ले लेते, बाद में बहुत ही प्रॉब्लम आता है, फ्लेवर बनाना नहीं आता है, मशीन में से सिरप सही नहीं गिरता है, ऐसे लगभग पर डे के 20-25 लोगों को तो हमें पर्सनली हैंडल करता हूँ। तो पूरा गाइडलाइंस और कैसा काम लगा, अफ्रीका वाले को हमने पूरा 6 दिन 8 दिन ट्रेनिंग दिया, वो मशीन ले गया पूरा कंट्रे भर का अलहमदिल्ला, वो खुद फिटिंग कर लेगा। और जाने के बाद उसने बोला कि मैं आपके पास से 8 से 10 प्लांट लूँगा। तो हमारे ये कस्टमर पद्मा जी हमारे बारे में क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे, उसको काम कैसा लगा, वो ही यही कस्टमर आप बात करेंगे। पहले बात तो कैसा है, आप वीडियो देखने से यहाँ पे आके देखिए कि कैसा कैसा प्लान चलता है। मैं 6 दिन यहाँ पे रुका हूँ, 3 शिफ्ट में काम चालू है इनका, एक मिनट के लिए मशीन बंद नहीं है इधर, मैं आके देखा, नहीं तो इतना मशीन चलते चलते कभी तो बंद कर दे पड़ जाता है। लेकिन 6 दिन मैं यहाँ पे कंटिन्यूस हूँ, दिन रात सुबह शाम यहाँ पे आके जाता हूँ, सब सिखाया कैसे कैसे काम करते हैं, सब तरीके समझ लिए, लेकिन एक मिनट भी मशीन इनका बंद नहीं है मैंने देखा। और ये पूरा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, फ्लेवर का साफ बनाने का है और कैसे मार्केटिंग करने का है सब कुछ सिखा देते हैं, इसलिए कैसा है। और फैमिली जैसा बॉन्डिंग है यहाँ पे, आप कभी भी फ़ोन कीजिए 24 आवर ये अवेलेबल रहते हैं, आपको कभी भी तकलीफ आई, कोई भी स्पेयर या फ्लेवर कुछ भी है वो वहाँ पे अवेलेबल करा के देंगे आपको। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आके इनसे जुड़ना है, बाकी सब ये सिखा ही देते हैं आपको। वैसे आपने देखा कि आप एक साल पहले आप आए थे, देखा था, और आपने आपने बिजनेस वाइंड अप कर दिया कि अब मेरे को ये काम नहीं, फिर आपने सोचा कि साला काम तो यही करना पड़ेगा। पहले आपने मशीन कौन सा हमको दिखाया था एक साल पहले, फिर आपने कैंसिल कर दिया? इनके पास वो सिरप, पहले सोडा फिर सिरप फिर वो कैपिंग लगाने का मशीन मैंने फाइनल किया था, वो फिर एक महीने के बाद इनका
ऑटोमेटिक बॉटलिंग का मैंने वीडियो देखा, फिर दिमाग में चला बाबा ये मशीन थोड़ा अच्छा है, इजी है, इसमें लेबर भी ज़्यादा नहीं लगती, इसलिए यही मशीन मैं 3-4 साल इनके टच में हूँ, 3-4 साल फिर यही फाइनल किया मैंने मशीन। आपने करीब 1 साल से मेरा वीडियो देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर करीब कहाँ हर कोने में हमने प्लांट लगाया, आपने देखा? हाँ वहाँ पे 3 प्लांट को मैं विजिट करके आया हूँ, उनसे भी मैंने जाना बाबा कैसा चल रहा है, सपोर्ट है क्या नहीं, उन्होंने भी बताया नहीं नहीं सब अच्छा है, वो भी बता दे अच्छा है प्लांट सब, उनके निगेटिव कुछ नहीं बताया उन्होंने। ये हमारा स्टिकर के बारे में आप बताइए, हमारा स्टिकर का डिजाइन कैसा लग रहा है, आपको हर तरह का जानकारी दिया। ये स्टिकर भी एकदम अच्छा बनाना है, उन्होंने सिंबल कैसे बनाने का और स्टिकर का साइज क्या रहना चाहिए, डिज़ाइन कैसा रहना चाहिए, यही भी ये बारीक सारीक चीज़ भी ये समझाई दे, इसलिए आपको कोई सोचने का नहीं, सोचने का काम इनका है, आप सिर्फ खाली इधर आने का है। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैंने मशीन ले लिया है लेकिन मेरे को 130-135 रुपये बंच गिर रहा है, तो मैं क्या रेट में बेचूंगा, मैं तो मशीन लेके फंस गया। नहीं 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 यहाँ पे मैं 6 दिन से रुका हूँ, सबका बारीक बारीक से मैंने अभ्यास किया है, यहाँ पे कैसे गिरता है कितने में, एक साधारण लॉस पकड़ के 115 में बंच गिरता है आपको, आप 145-150 होलसेलर को दे देंगे तो भी आपका प्रॉफिट है उसमें। और हमारे व्यूअर्स को हर मरतबा बोलते हैं कि आप कहीं पे भी अटक रहे हो, भले किसी का मशीन है नहीं है, आप यहाँ पे 6 दिन में आए तो कितने लोग खाली गाइडलाइंस लेने के लिए कि भाई मैंने दूसरी जगह से मशीन लिया है, मेरे को फ्लेवर महंगा पड़ता है, मेरे को कोई स्टिकर का एड्रेस नहीं दे रहा है, बोतल का एड्रेस नहीं दे रहा है, ढक्कन का एड्रेस नहीं दे रहा है, मैंगो 10 दिन में ख़राब हो जाता है, हर तरह के कस्टमर आपने देखे, लेकिन हमारा मशीन नहीं होता है फिर भी हम उसको सपोर्ट करते हैं, देखा आपने? हाँ मैंने ये देखा है, यहाँ पे आते लोग कितने भी क्या क्या मशीन अपडेट करके दो, कुछ भी फ्लेवर की जानकारी लेने के लिए बाहर से मशीन ले आए, लेकिन तभी भी वो उनसे वैसे ही तरह बात करते, क्योंकि एक आदमी फंसा है उसको निकालने का ये सोचते, ये अपना नाम बड़ा करना चाहते। आपने हमारा पूरा जेन्युइन काम देखा? देखा है मैंने, सच में देखा है, यहाँ पे 6 दिन हो गया मैं आके रहा हूँ, रहने का इंतज़ाम खाने का इंतज़ाम यही सब इतना ख्याल रखते हैं, आप मशीन लो अगर न लो लेकिन हमारे मेहमान नवाजी देख के जाओ, ऐसा इनका काम है। इस तरह का आपको स्टिकर बनाना है कि भाई रोल फॉर्म में मेरे को चाहिए तो हो, हर तरह का आप, अभी आपने मशीन तो ले लिया है कोई बात नहीं, ऊपर वाले का मर्जी है, आप कहीं पे भी अटक रहे हो कहीं फंस गए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी उसका कोई बात करके फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम बैठे निश्चिंत रहिए, कॉल करें, सपोर्ट ले, धंधा करे, सपोर्ट दिया तो आगे बढ़ोगे, कल जाके आप हमारा ऑटोमेटिक मशीन लोगे, सही है। आपको भी मिलकर खुशी हुआ और हमारा दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आगे बढ़े, बहुत ही तरक्की करे, हमारे जैसी नाम ना करे और खूब आगे बढ़े, डीलरों को बनाइए, सबको साथ में रखे, सबका साथ सबका विकास, अकेले आदमी से कुछ नहीं होता है, सब लोगों को रखना पड़ता है, बिजनेस करना है तो डीलरों को बनाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर को बनाना पड़ा है, सेल्स टीम रखना पड़ता है, कस्टमर को जवाब देना पड़ता है, वैसे बिजनेस बढ़ता है, वैसे हर जानकारी हमने कस्टमर को दे दी है, आपको भी कोई चाहिए तो आप भी फोन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बंगला कॉर्पोरेशन कंपनी गुजरात भावनगर, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।